नमस्कार, आप सभी का रमेश रोयल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। बार एंड बेंच ने बीएसटीसी बीएड विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को लेकर अपनी न्यूज पब्लिश की है। हिंदी के अंदर पूरा बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर बीएड को बाहर किया, बहुत ही शानदार तरीके से आप जरूर देखिए। जब आप इस वीडियो को देखेंगे, इस रिपोर्ट को, इस न्यूज को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो सकता है और कितना शानदार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और किस तथ्य, किस बेस के आधार पर, किस अधिकार के तहत बीएड को बाहर किया है। बार एंड बेंच एक एसोसिएशन है वकीलों का और उनकी एक वेबसाइट है और वो जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो शानदार फैसले दिए जाते हैं, जो रिपोर्टेबल जजमेंट दिए जाते हैं, उनको ऊपर वो न्यूज़ पब्लिश करते हैं और तथ्य के आधार पर फैक्ट और आर्गुमेंट बेस बना करके कि किस आधार पर फैसला दिया गया। इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, वीडियो को शेयर करें। जो भी डीएलएड जेबीटी बीएसटीसी के छात्र हैं वो वीडियो को शेयर करें, तमाम जगह सोशल मीडिया पर हर जगह ये आवाज पहुंचनी चाहिए। बीएड से अपना चैनल हावी होना चाहिए, सभी के पास न्यूज पहुंचे ताकि सभी जागरूक हों और सभी जगह शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी जगह शेयर करें, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें ताकि अपना प्लेटफॉर्म मजबूत हो। और बीएड से इन दिनों में बीएड की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती भी जा रही है, इसलिए सभी जगह आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बार एंड बेंच ने क्या कहा है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। बार एंड बेंच ने कहा है कि शिक्षा के अधिकार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शामिल है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो शिक्षा का अधिकार है उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शामिल है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बीएड धारक प्राथमिक स्कूल शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं है। अब जब इस सूचना को जब आगे पढ़ते हैं तो बहुत ही शानदार सुप्रीम कोर्ट कहता है, सर्वोत्तम योग्य शिक्षकों की भर्ती के महत्व पर जोर देते हुए न्यायालय ने कहा, अगर हम इसकी गुणवत्ता से समझौता करते हैं तो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अर्थहीन हो जाती है, मतलब आरटी एक्ट का वॉयलेशन होता है और मुफ्त और फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। ये बार एंड जो बेंच है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एनालिसिस करके उसके मुख्य बिंदुओं को आधार बनाते हुए न्यूज पब्लिश करते हैं। आप वीडियो पूरा जरूर देखिए, कितनी शानदार न्यूज पब्लिश की है बार एंड बेंच ने बीएसटीसी बीएड विवाद के मामले में जो फैसले को आधार बताते हुए। ये एक फोटो है जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बार एंड बेंच ने आगे क्या कहा है। बार एंड बेंच ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड उम्मीदवार प्राथमिक विद्यालय शिक्षक पदों पर रहने के लिए अयोग्य हैं, देवेश शर्मा बनाम भारतीय संघ और अन्य मामलों में लेकर। जब इस पर आगे और देखते हैं तो न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की पीठ ने बीएड उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय शिक्षक बनने की अनुमति देने वाले राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की 2018 की अधिसूचना को रद्द करने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। ये बार एंड बेंच ने ये मुख्य बिंदु आपको सभी को मालूम। आगे क्या कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बीएड किसी भी मायने में प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 में पढ़ाने की योग्यता नहीं रखता है। कितनी शानदार बात कही है। अब आगे कोर्ट और किया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के लिए योग्यता के रूप में बीएड को शामिल करने का एनसीटी का निर्णय मनमाना था, अनुचित लगता है और वास्तव में अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के साथ कोई संबंध नहीं है, जो कि बच्चों को न केवल मुफ्त और अनिवार्य बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी दें। गुणवत्तापूर्ण, बार बार विपक्ष बीएड की तरफ से गुणवत्तापूर्ण की बात की जाती थी तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बार एंड बेंच ने बहुत शानदार बात कही है। शीर्ष अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों की बात की गई है और अनुच्छेद की बात की गई है। फैसले में क्या कहा है, ये भी कहा है। फैसले में कहा गया है, यदि हम इसकी गुणवत्ता से समझौता करते हैं तो बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अर्थहीन हो जाती है। हमें सर्वोत्तम योग्य शिक्षकों की भर्ती करनी चाहिए। एक अच्छा शिक्षक किसी स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का पहला आश्वासन होता है। शिक्षकों की योग्यता पर किसी भी समझौते का मतलब अनिवार्य रूप से शिक्षा की गुणवत्ता पर समझौता होगा। बहुत ही शानदार सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, जो हिंदी के अंदर जो वारन बेंच ने बताया फैसले में क्या मुख्य बिंदु लिखे हैं।
उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचना को रद्द करने के बाद एनसीटी कुछ बीएड उम्मीदवार पात्र जो डिप्लोमा धारक और केंद्र सरकार अपील में शीर्ष अदालत में चले गए। उसके बाद उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीटी के मानदंडों के अनुसार प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए आवश्यक योग्यता डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड है। उसके बाद आगे क्या कहा वो भी देखते हैं। ये पैराग्राफ नीचे है, इसको नीचे देखते हैं। बेंच ने कहा कि एक उम्मीदवार जिसके पास प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड है उसे इस स्तर पर छात्रों को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है क्योंकि उसने विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया एक शैक्षणिक पाठ्यक्रम पूरा किया है। एक व्यक्ति जिसके पास बीएड योग्यता को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों को शिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है और उसमें 6 से 8 भी उनसे प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की उम्मीद नहीं की जाती। कितनी बात सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही शानदार कही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इसमें कहा गया कि एनसीटी की अधिसूचना त्रुटिपूर्ण थी। यहाँ पर पूरी की पूरी कानूनी प्रक्रिया बनाने का जो कानून बनाने की प्रक्रिया वो गलत ठहराई गई है कि त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि ये केंद्रीय विद्यालयों के संबंध में केंद्र सरकार के संचार पर निर्भर थी जो केवीएस का लेटर मिला था। केंद्र सरकार ने पहले एनसीटी को पत्र लिखकर उम्मीदवारों की कमी को देखते हुए बीएड शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षक पदों पर रहने की अनुमति देने के लिए कहा था। ये पूरा खुलासा हो गया जो अपन पत्र लेके आए थे, लेटर लेके आए थे। हालांकि कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि बीएड और डिप्लोमा इन एजुकेशन धारकों को एक समान भी नहीं किया जा सकता, दोनों इक्वल नहीं है। अब आगे बारन बेंच ने क्या लिखा है, बीएड प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में पढ़ाने के लिए कोई योग्यता नहीं है। बीएड योग्यता ही नहीं है प्राथमिक शिक्षक के प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में पढ़ाने। प्राथमिक कक्षाओं के संदर्भ में तो यह एक बेहतर और उच्च योग्यता तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए कितनी शानदार, यह निष्कर्ष एनसीटी के प्रवेश पत्र में स्वयं स्पष्ट है। देखिए एनसीटी स्वयं फंस गई, जो मैं कह रहा था पीछे वीडियो में, जो एक एनसीटी का पत्र मिला था जिसमें 2014 का पत्र था जिसमें डीएलएड और बीएसटीसी के कोर्स में डिफरेंस बताया हुआ था और ऐसा ही बिहार के अंदर एफिडेविट पेश किया गया जिसमें पता लग गया कि उच्च योग्यता तो बिल्कुल भी नहीं है। और यह निष्कर्ष निकलता है, यह निष्कर्ष एनसीटी के प्रवेश पत्र में स्वयं स्पष्ट है जो यह अनिवार्य करता है कि सभी बीएड योग्य शिक्षक जिन्हें प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें अपनी नियुक्ति के 2 साल के भीतर 2 साल के भीतर अनिवार्य रूप से प्रारंभिक कक्षाओं के लिए एक शैक्षणिक पाठ्यक्रम से गुजरना होगा। यह 6 मंथ का ब्रिज कोर्स के बारे में बात कही जा रही है। अब आगे कहा है बारन बेंच ने, न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार का निर्णय वस्तुनिष्ठ वास्तविकताओं को ध्यान में रखने में विफल रहा, तदनुसार अपीलें खारिज कर दी गई हैं सभी। ये बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जो मुख्य बिंदु हैं ये बारन बेंच ने अपने शामिल करते हुए कहा है। बार एंड बेंच एक बहुत अच्छी कानून की वेबसाइट है जो कानून के फैसलों को लेकर कोर्ट करते रहते हैं, किस बेस पर क्या फैसला दिया गया, क्यों दिया गया, क्या हुआ, क्यों लैंडमार्क जजमेंट सुनवाइयों को लेकर के, तो ये कानून पर ही देती है जो कि बहुत शानदार बीएसटीसी के फैसले को लेकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की जो मैंने इसमें बताने की कोशिश करी। जो भी बेहतर है वो आपको इस बार एंड बेंच के वेबसाइट पर मैंने बता दिया पूरा मामला।